नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं मैनविदा। अगर आप भी मेरी तरह फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से और बिगिनर होने की वजह से कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, कैसे करें, कहां से शुरू करें, और आप जिम में हर किसी से पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा वर्कआउट करूं, कौन सी डाइट लूं, क्या खाऊं, कितना प्रोटीन सप्लीमेंट लूं, कौन सा लूं, तो सबसे पहले तो ये सब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब जो है आपके ऊपर काम नहीं करने वाला। क्योंकि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टाइप डिफरेंट है। हर किसी पे जो वर्कआउट काम करेगा, जो डाइट प्लान काम करेगा, वो ज़रूरी नहीं है कि आप पर भी सेम तरह उसी तरह काम करे, उसी तरह आपको हेल्प करे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना है बेसिक्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जिसमें आता है न्यूट्रिशन, डाइट। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट। तो बने रहें मेरे साथ इस पूरी वीडियो में, क्योंकि आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे बेसिक्स जो आपको हेल्प करेंगे आपका खुद का डाइट प्लान प्रिपेयर करने में। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो आपको आने वाली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस घंटी को भी दबा दो यार। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं न्यूट्रिशन और डाइट की, तो उसमें दो मेजर कंपोनेंट्स आते हैं। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं तीन मेजर कंपोनेंट्स को मिलाकर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आपका डाइट प्लान कस्टमाइज़ करना है। तो जब भी हम डाइट प्लान कस्टमाइज करने की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए वो है आपका BMR, विच इज़ कॉल्ड एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी पूरा दिन कोई भी काम नहीं करती है, तो आपकी बॉडी को आपका करंट वेट मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा वेट 70 केजीज है और मैं पूरे दिन में कोई वर्कआउट नहीं करता हूं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता हूं, तो मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए वो सेम वेट मेंटेन करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं BMR। उसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसको आप यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए और वो आपको हेल्प करेगा आपका BMR कैलकुलेट करने में। तो BMR कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, 66 प्लस 6.23 इंटू योर वेट इन पाउंड्स, आपका वेट पाउंड में होना चाहिए, प्लस 12.7 इंटू योर हाइट इंटू इंचज, आपकी हाइट जो है वो इंचज में होनी चाहिए, ना कि फीट या सेंटीमीटर में, माइनस 6.8 इंटू योर एज, आपकी एज इन ईयर्स। अगर आप इन सभी वैल्यूज़ को फीड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वेट 170 पाउंड्स है और मेरी एज 28 ईयर्स है और जो मेरी हाइट है वो है 5.11 फीट, तो मैं इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ फीड करूँगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो है 1836 कैलोरीज। तो ये 1836 कैलोरीज जो है ये मेरा BMR है। अब इस BMR को लेकर हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे और देखेंगे कि हमें कितनी कैलोरीज चाहिए अपना डाइट चार्ट बनाने के लिए, फॉर बल्किंग और फॉर कटिंग और फॉर मसल बिल्डिंग। तो BMR है जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्कआउट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिम करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, गेम खेलते हैं, तो आपको जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हफ्ते में बहुत ही रेयरली कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो आपको आपके BMR को मल्टीप्लाई करना है 1.2 से। और अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हफ्ते में एक या तीन दिन, तो वो आपको हो जाएगा 1.37, आपको आपके BMR को मल्टीप्लाई करना है 1.37 से। और अगर आप तीन से पाँच दिन कोई भी हफ्ते में एक्टिविटी करते हैं, तो आप अपने BMR को इंटू कीजिए 1.55 से। अगर आप छः से सात दिन वर्कआउट करते हैं तो 1.725। और अगर आप दिन में दो बार वर्कआउट करते हैं प्लस आपकी जो जॉब है वो फिजिकल जॉब है, तो आप अपने BMR को 1.9 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप कोई भी वैल्यू फीड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं हफ्ते में छः दिन वर्कआउट करता हूं, तो मेरी वैल्यू रहेगी 1.75, तो मैं अपने BMR को मल्टीप्लाई करता हूं 1.7 से, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 3167 कैलोरीज। तो ये है मेरा कैलोरीज रिक्वायरमेंट, अगर मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता हूं दिन में, तो मेरा जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट रहेगा 3100 टू मेंटेन माय करंट वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बल्क करना है, आपको बॉडी वेट ऐड करना है, तो आपको आपकी इस कैलोरीज में 500 से लेकर 1000 कैलोरीज को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बल्किंग करनी है, तो मैं इसमें 500 कैलोरीज ऐड कर दूंगा,
तो फाइनल रिजल्ट आएगा 3667 कैलोरीज। तो ये 3667 कैलोरीज को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए मुझे कितना रिक्वायरमेंट चाहिए कार्ब्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल रेशियो रहती है। अगर आपको बल्क करना है तो आपका कार्ब्स इनटेक हाई रहेगा, प्रोटीन इनटेक लो और फैट इनटेक लो रहेगा। तो फॉर एग्जांपल एक सिंपल परसेंटेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको बल्क करना है तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहेगा 25%, कार्ब्स रिक्वायरमेंट रहेगा 60% और फैट्स रहेगा 15% ऑफ योर टोटल कैलोरीज। तो अगर मैं 20% करता हूँ मेरी टोटल कैलोरीज का, तो मेरे पास आएगा अराउंड 960 कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन। और अगर मैं 60% करता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स का, तो मेरे पास आएगा 2200 कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर मैं फैट्स का करता हूँ 15%, तो आएगा 550 कैलोरीज फ्रॉम फैट्स। तो इन सभी कैलोरीज को कैसे पूरा करें, उसके लिए एक सिंपल सा जो बेसिक है कि अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन का कंज्यूम करते हैं तो आपको मिलेगा 4 कैलोरीज। और सेम है कार्ब्स के साथ भी, 1 ग्राम कार्ब्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। बट फैट्स के मामले में ये है, 1 ग्राम फैट्स इज इक्वल टू 8 कैलोरीज। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 960 कैलोरीज चाहिए प्रोटीन से, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 230 ग्राम प्रोटीन पर डे। और अगर मैं 2200 कैलोरीज को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो मेरे पास आएगा अराउंड 550 ग्राम्स कार्ब्स। और अगर मैं 550 कैलोरीज को डिवाइड करता हूँ 8 से, तो मेरे पास आएगा अराउंड 68 ग्राम फैट्स। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है कि 1 ग्राम में कितना कैलोरीज है, टोटल मुझे कितना कैलोरीज कंज्यूम करना है, कहाँ से करना है, तो आप अपना डाइट चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि फूड सोर्स के लिए आप मेरी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिंक, मैंने जो मेंशन किया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ जाकर पूरे के पूरे फूड सोर्स को देख सकते हैं, जहाँ मैंने डिस्क्राइब किया है कि किस में कितनी कैलोरीज है, क्या मैक्रोज का ब्रेकडाउन है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने मैक्रोज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 230 ग्राम प्रोटीन नहीं मेंटेन कर सकते, आपको प्रोटीन कम करना है, आपका आप ज़्यादा करना है, तो आप इस परसेंटेज को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करते हैं और टेस्ट कीजिए, अपने ऊपर ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, और फाइनली जो आपका बेस्ट रिजल्ट रहेगा जिस भी परसेंटेज के ऊपर, उसको आप अपने साथ अप्लाई कीजिए, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी बॉडी बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई कीजिए। तो ये था आज की वीडियो का टॉपिक, जहां हमने बात की थी कि हाउ टू डिवाइड योर कैलोरीज, हाउ टू प्रिपेयर योर मील प्लान, हाउ टू फाइंड योर BMR एंड योर कैलोरीज इनटेक। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और Till then, stay healthy, stay fit for my upcoming videos.